हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक मैथ्स। आज है 2 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 2 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और यदि आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच पहले नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच पहले नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर सी स्पेन और ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अल्जीरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि हाल ही में किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया है। यानी कि बोल रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी एनटीपीसी बोर्ड और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है। बोल रहा है कि किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है। तो कौन लागू कर दिया है, चीन कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेरी बोटास, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज रसेल विलियम्स, ऑप्शन नंबर सी मैक्स वर्स्टापेन और ऑप्शन नंबर डी क्या है, लेविस हैमिल्टन। तो हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स वर्स्टापेन हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है। किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। तो क्या हो जाएगा, केरल की सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह, बी हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन नंबर सी एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर डी पीयूष गोयल। तो कौन करेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार, बी अमिताभ बच्चन, सी अमित बनर्जी, डी संदीप कटारिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमित बनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमित बनर्जी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। 9 क्या बोल रहा है कि भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेगी। भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेगी। ऑप्शन नंबर ए बीवी नागरत्न, ऑप्शन नंबर बी पीएस नरसिम्हा, ऑप्शन नंबर सी फातिमा बीवी, ऑप्शन नंबर डी आना चांदी।
तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी वी नागरत्न बनेगी। कौन हो जाएगी? बी वी नागरत्न। और आज हम आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कि हाल ही में किसने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया, फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो किसने किया? अनुराग ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।